मैं बलजीत यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और कब यूज किए जाते हैं। चलो इसका जनरल सा सिंपल सा मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। नाम से भी पता लग रहा है डिफेंस और मैकेनिज्म, यानी डिफेंस का मतलब होता है बचाना और मैकेनिज्म ऐसे तरीके ऐसे रास्ते हैं जो हमें किसी प्रॉब्लम से बचाते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो ये हमारे क्या कहलाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। मैं डेफिनेशन की भाषा में अगर आपसे बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारी बॉडी के द्वारा यूज किए गए अनकॉन्शियसली यूज किए गए साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं या साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये ऐसे अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कोई भी पर्सन यूज करता है किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए या फिर अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए या फिर अपने एनवायरमेंट में एडजस्टमेंट बनाने के लिए। इन अनकॉन्शियसली जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म या साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटीज यूज करता है वही आपकी क्या कहलाती है डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। और दोस्तों आपको पता होगा हम आए दिन रोजाना इन मैकेनिज्म्स को यूज करते रहते हैं अपनी डेली की लाइफ स्टाइल के अंदर। और हम तरह तरह के एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर वो एडजस्टमेंट हो, यानी इन डिफेंस मैकेनिज्म को हम रोजाना हर एक पर्सन के द्वारा यूज किए जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस को कोप करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, या मैं कहूँ उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। दीज आर दी अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड दैट आर यूज्ड टू रिलीव द एंजाइटी, या मैं कह सकता हूं रिलीव एंजाइटी और एडजस्टमेंट टू दी एनवायरमेंट। ओके फाइन, देखो डेफिनेशन से बेटा पता लग रहा है डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। ये ऐसे अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है। ये ऐसे क्या है? अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है जो क्या किया जाता है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जिनको हम यूज करते हैं या तो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए या आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट बनाने के लिए एनवायरमेंट के साथ। इन मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब बात आती है बेटा ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये सबसे पहले इन डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहले बताया था सिगमंड फ्रॉयड ने। और 1904 के अंदर सबसे पहले किसने बताया? सिगमंड फ्रॉयड ने, सिगमंड फ्रॉयड। लेकिन बाद में फिर इनको डेस्क्रिप्शन इनका दिया, डेस्क्रिप्शन सिगमंड फ्रॉयड की बेटी थी जिसका नाम था अन्ना फ्रॉयड, अन्ना फ्रॉयड डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, दैट डेस्क्राइब और डेस्क्रिप्शन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपसे अगर पूछा जाए कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कब बताया था, तो 1904 के अंदर सिगमंड फ्रॉयड ने बताया। लेकिन इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? अन्ना फ्रॉयड ने दिया था। मतलब क्या होता है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आता है कि पर्पस कौन कौन से होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्यों यूज किए जाते हैं, इसके पर्पस क्या क्या होते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा डेफिनेशन से।
मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, सभी बच्चे एक बार ध्यान दें कि पर्पस क्या होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई पर्पस। और पर्पस की हम बात करें तो देखो, फर्स्ट पर्पस तो हो गया टू रिलीव एंजाइटी, किसी भी प्रकार की एंजाइटी, तनाव, टेंशन, उसको रिमूव करना है तो आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। दूसरा मैं कह सकता हूं टू कोऑपरेट विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के साथ कोऑपरेट करना हो तो आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। तीसरा मैं कह सकता हूं डिफेंस मैकेनिज्म क्यों यूज किया जाता है, टू एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। फोर्थ में आपको बता सकता हूं बेटा कि डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाता है एडजस्टमेंट टू पेशेंट, या फिर मैं कहूं टू गेट सेटिस्फेक्शन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी कंडीशन बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग हैं वो जब हमसे कोई काम नहीं होता है तो हम उसका रैशनलाइज करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ। यानी हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये काम मेरे से नहीं हुआ लेकिन उसका रीजन क्या है, कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्चुअल ऐसा नहीं है, लेकिन हम खुद से उसका क्या बना लेते हैं, रीजन बना लेते हैं। तो ये सब क्या है, हम खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि जो फेलियर है उसके अगेंस्ट आप खुद को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जब आपको सेटिस्फेक्शन लेना हो तब भी आप क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो ये थे आपके पर्पस। अब मैं वन बाई वन आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म है जो साइकेट्रिक से रिलेटेड है और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आपसे पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम प्रत्येक एग्जाम्पल का, प्रत्येक डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल देखेंगे और उसके साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और बने रहे। फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो है बेटा कंपनसेशन। पहला मैं आपसे बात कर रहा हूं कंपनसेशन, और कंपनसेशन की अगर बात करें तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कंपनसेशन, भाई कंप्रोमाइज कर लिया। कंपनसेशन का मतलब क्या कह रहे हो, कि कंपनसेट कर लिया, उस चीज को कंपनसेट कर लिया। जैसे देखो एक आदमी है, एक पर्सन है जिसका क्या था, जो स्टडी के अंदर क्या है, स्टडी के अंदर वीक है बेटा, स्टडी में क्या है, वीक है। लेकिन यही पर्सन है ये स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये इसकी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है इसकी। तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, ये पर्सन क्या करेगा, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई के अंदर कमजोर है, एक ऐसा बच्चा है, लेकिन वो स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करेगा कि इस स्ट्रॉन्ग के द्वारा इस वीकनेस को क्या कर लेगा, कंपनसेट कर लेगा इस स्ट्रेंथ के द्वारा, और इसी को हम कहते हैं कंपनसेशन। यानी एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि ए वीक स्टूडेंट इन स्टडी कवर अप वीकनेस बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किसके द्वारा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एंड मेक चैंपियन ऑफ कॉलेज, और कॉलेज का या स्कूल का क्या बन जाता है, वो चैंपियन बन जाता है। तो उसने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस को क्या कर लिया बेटा, कवर अप कर लिया, और इसी कवर अप को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन कर लिया। क्लियर है, दैट इज कंपनसेशन। दूसरा मैं आपसे बात करता हूं सप्रेशन।
अगला जो हमारा मैकेनिज्म है दैट इज सप्रेशन, दूसरा मैं बात कर रहा हूं सप्रेशन। देखो बेटा सप्रेशन के लिए याद रखें, एक सप्रेशन होता है और एक होता है रिप्रेशन। अगला मैकेनिज्म हम रिप्रेशन पढ़ेंगे। सप्रेशन और रिप्रेशन में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं आर यू एस सी, यानी आर यू बोले तो आर से बोले तो रिप्रेशन और यू से बोले तो अनकॉन्शियस और एस से बोले तो सप्रेशन और सी से बोले तो कॉन्शियस। यानी जो सप्रेशन है ये सप्रेशन आपका कैसे लेवल पे किया जाता है बेटा, कॉन्शियस लेवल पे। देखो एकमात्र ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस लेवल पे लिया जा रहा है, बाकी जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म थे मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि सभी डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे लिए जाते हैं और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन ये कैसे लेवल पे लिया जाता है, कॉन्शियस लेवल पे सप्रेशन। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है सप्रेशन किस प्रकार का मैकेनिज्म है, तो आप कहेंगे कॉन्शियस लेवल का मैकेनिज्म है। अब सप्रेशन के अंदर होता क्या है कि जो पेनफुल स्टिमुलाई है, पेनफुल स्टिमुलाई है, पेनफुल स्टिमुलाई जो आपको पेन प्रोवाइड कर रही है वो अवॉइडेड कर दी जाती है, अवॉइडेड एट कॉन्शियस लेवल। देखो मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूं, पेनफुल यानी ऐसी स्टिमुलाई जो आपको पेन फील करती है, जो आपको दुख पहुंचाती है, ऐसी स्टिमुलाई को आप अवॉइडेड कर देते हो, आप दूर कर देते हो किस कौन से माइंड से, कॉन्शियस माइंड से, जानबूझ के उसको चेतना के माध्यम से उसको दूर रखते हो। जैसे आप एग्जांपल देखना, एक एक पर्सन है या फिर एक स्टूडेंट है जो कोई किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू देने जाने से पहले वो क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसको पता है, देखो वो आर्ग्यू नहीं कर रहा क्योंकि अगर आर्ग्यू करेगा तो उसको क्या होगा, पेन होगा, उसको पेनफुल इवेंट्स का फेस करना पड़ेगा और वो पेनफुल इवेंट्स है वो उसको अनप्लीजर बनाएंगे, ठीक है भाई। तो उस पेनफुल इवेंट्स को पहले ही क्या कर रहा है, अवॉइड कर दिया, उसके माइंड में पहले ही क्वेश्चन आ गया कि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, अगर मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा तो मेरा माइंड सेटअप है वो खराब हो जाएगा और मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो वो कॉन्शियस लेवल पे उस चीज को क्या कर रहा है, अवॉइडेड कर रहा है, कॉन्शियस होते हुए जानबूझ के उस चीज को क्या कर रहा है, अवॉइड दूर रख रहा है, ये क्या कहलाता है आपका, सप्रेशन कहलाता है। तो एग्जांपल मैं आपसे लिख सकता हूं यहां पे बेटा कि बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू ए पर्सन नोट आर्ग्यू विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ क्या नहीं करता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, दैट इज सप्रेशन। तीसरी हम बात कर लेते हैं बेटा सप्रेशन के बाद जो अगला मैकेनिज्म था वो मैं आपसे बात कर रहा हूं रिप्रेशन। मैंने पहले ही लिख दिया था कि रिप्रेशन और सप्रेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। और सप्रेशन क्या होता है, सॉरी रिप्रेशन क्या होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे लिया जाता है, सप्रेशन आपका कॉन्शियस लेवल पे लिया जाता है। तो यहां पे भी आपको पता लग रहा होगा, नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो बेटा सबसे पहले तो मैं कह सकता हूं अनकॉन्शियस लेवल पे किया जाता है। अब अनकॉन्शियस का मतलब होता है अपने आप ऐसा पेशेंट कर लेता है, उसको पता नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए, एक बॉयफ्रेंड है, अगर उसका ब्रेकिंग हो जाए एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है उनका अगर ब्रेकिंग हो जाए तो ब्रेकिंग के बाद क्या होता है, जो बॉय है वो जो गर्लफ्रेंड है उसका जो बर्थडे था उसको मिस कर देता है, उसको भूल जाता है, यानी फॉरगेट
बर्थडे ऑफ एक्स गर्लफ्रेंड तो देखो अनकॉन्शियसली, लेकिन ये जो फॉरगेट कर रहा है ये कैसा है, अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर कर रहा है। रिप्रेशन का मतलब क्या है, अनकॉन्शियस लेवल पे लिया जाने वाला ऐसा मैकेनिज्म है जो पेनफुल स्टिमुलाई को क्या कर देता है, अवॉइडेड कर देता है। इसके अंदर भी आपकी पेनफुल स्टिमुलाई क्या होती है, अवॉइडेड, मैं कह सकता हूं अवॉइडेड पेनफुल स्टिमुलाई, यानी ऐसी स्टिमुलाई जो पेन फील करती है ब्रेकिंग होने के बाद उसको क्या होगा, पेन फील होगा। तो उस पेन को जब जब उसको याद आएगा तो वापस उसको उसके अंदर क्या अराइज होगा, पेन अराइज होगा, पेनफुल स्टिमुलाई अराइज होगा। तो उस पेन को दूर करने के लिए, उस अनप्लीजेंट एनवायरमेंट को दूर करने के लिए वो क्या करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे उस चीज को भूल जाता है और उसका बर्थडे भूल जाता है। तो ये क्या कहलाता है भाई, रिप्रेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए एक कोई बच्चा है, उसके अंदर चाइल्डहुड के दौरान कोई अब्यूज कंडीशन डेवलप हुई है और उस अब्यूज कंडीशन को एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उसके साथ वो इवेंट हुआ, उस इवेंट को जब भी वो वहां से गुजरता उसको याद आता, लेकिन उसने रिप्रेशन के द्वारा क्या किया, अब उस चीज को वो भूल गया। जैसे जैसे वो बड़ा हो गया तो बाद में जब भी उस जगह के पास से गुजरता है वो अनकॉन्शियसली उस चीज को भूल चुका है, दैट इज रिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेशन के बाद, अगला जो हमारा है वो है सब्स्टिट्यूशन। अगला मैकेनिज्म क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन। नाम से भी पता लग रहा है बेटा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान दें वीडियो के ऊपर, मैं आपसे बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट यूज करता है, सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर देखो जो हाई गोल था, किसी पेशेंट का हाई गोल है, किसी पर्सन का, किसी स्टूडेंट का हाई गोल है, गोल क्या है, बड़ा गोल है, अभी मैं एग्जांपल आपसे दूंगा, ये हाई गोल है, ये जब अचीव नहीं होता है तो ये गोल किसमें, हाई गोल को, हाई गोल है वो अनअचीव है, अनअचीव है, तो इस गोल को वो लेस गोल को अचीव कर लेता है और यही उसका क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट। यानी जब हाई गोल को अचीव नहीं कर पाया तो उसने कैसे को एक्सेप्ट कर लिया, हाई गोल है ये अनएक्सेप्टेबल है, या मैं अनएक्सेप्टेबल भी लिख सकता हूं, अनएक्सेप्टेबल। तो जब अनएक्सेप्टेबल है तो लो गोल है जो एक्सेप्टेबल है उसको उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया, यही क्या कहलाता है आपका, सब्स्टिट्यूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात करते हैं, जैसे देखो एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट वांट टू एडमिशन, वांट टू एडमिशन इन एमबीबीएस बट नॉट अचीव्ड, देन टेक एडमिशन इन नर्सिंग। तो देखो यहां पे एक स्टूडेंट था जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की और वो एडमिशन लेना चाहता था एमबीबीएस के अंदर, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसने किसमें एडमिशन ले लिया, नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया या फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन ले लिया। अब जो ये एमबीबीएस है ये तो क्या है बेटा, हाई गोल है और ये हाई गोल क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, अनअचीवेबल है, लेकिन जो नर्सिंग था ये क्या था, लो गोल था। तो जब बड़ा गोल नहीं मिला तो उसने कौन सा गोल ले लिया, छोटे गोल को अचीव कर लिया और यही आपका क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी अपने जो डिजायर थी उस डिजायर को उसने क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया, इसमें क्या कर लिया उसने,
एमबीबीएस से किसमें रिप्लेस कर लिया, नर्सिंग में रिप्लेस कर लिया। उसके मोर गोल था, मोर डिजायर थी उसकी, मैं ये कह सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है सबलिमिनेशन। अगला जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म, दैट इज सबलिमिनेशन। ये देखिए सबलिमेशन, सबलिमेशन क्या होता है इसके अंदर हम बात करें तो सबलिमेशन का मतलब होता है सोशियली सोशियली अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को किसमें कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट सोशली अक्सेप्टेबल में। देखो बेटा नाम से पता लग रहा है किसी पर्सन के अंदर ऐसा बिहेवियर है जिसको सोसाइटी क्या करती है, अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्ट करती है, लेकिन कुछ समय बाद उस बिहेवियर को ऐसे कन्वर्ट कर लेता है जिससे वो सोसाइटी उसको अब एक्सेप्ट करने लग जाती है। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, सबलिमिनेशन। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए एक पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा एंगर आता है। क्या आता है भाई, एंगर आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये गुस्सा है ये क्या है उसका, अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी उसको क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, सोशली अनएक्सेप्टेबल है। गुस्से वाले आदमी को सोसाइटी अनएक्सेप्ट करती है, तो इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है इसको उसने क्या कर लिया, थोड़े दिन बाद बॉक्सर बन गया, और बॉक्सर बनके वो रिंग के अंदर क्या करता है, रिंग के अंदर एंगर शो कर रहा है। अब रिंग के अंदर जब वो पंच मार रहा है तो इसको क्या कर लिया सोसाइटी ने, सोशली एक्सेप्टेबल। अब उसका बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है, रिंग में चाहे वो किसी को कितना ही मारे, यहां पे सोसाइटी उसको क्या कर रही है, उसके बिहेवियर को एक्सेप्टेबल कर रही है। क्लियर अभी? इसके अलावा भी मैं और दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं कि दूसरा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखो एक पर्सन है जिसका ब्रेकिंग हो गया, लव में ब्रेकिंग हो गया, लव ब्रेकिंग हो गया एक पर्सन का। अब लव ब्रेकिंग क्या है उसका, वैसे भी सोशियली अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन लव ब्रेकिंग के बाद में आफ्टर लव ब्रेकिंग वो पर्सन क्या कर रहा है भाई, एक गुड राइटर बन गया, गुड राइटर। तो जो गुड राइटर है ये क्या है, सोशियली एक्सेप्टेबल है, अच्छी अच्छी वो पोएट्री वगैरह लिखने लग गया, दैट इज सोशियली एक्सेप्टेबल। तो ये हम कह सकते हैं कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, सबलिमेशन यूज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, अगला जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है बेटा प्रोजेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स रिपीटेड इन द एग्जाम्स। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन, और नाम से भी पता लग रहा है प्रोजेक्शन का मतलब होता है पासिंग ब्लेम टू अदर्स, दूसरों के ऊपर ब्लेम पास कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्शन है वो किसमें देखने को मिलता है, तो आपने देखा होगा सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, सिज़ोफ्रेनिया के अंदर आपको कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म या कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, पैरानोइड, यानी वो सस्पिशियसनेस टाइप का होता है, और वहां पे वो क्या करते हैं, प्रोजेक्शन यूज करता है। आपने देखा होगा अल्कोहल के अंदर भी पेशेंट क्या यूज कर लेता है, प्रोजेक्शन यूज करता है। तो यहां पे देखना पासिंग ब्लेम्स टू दी अदर्स, कि खुद का ब्लेम ओन मिस्टेक्स, पासिंग ब्लेम टू अदर्स ऑफ ओन मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को अपनी गलतियों को दूसरे के माथे मत देता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, प्रोजेक्शन यूज कर रहा है। अब आपने देखा होगा
मैं एग्जांपल की अगर आपसे बात करूं तो देखना, ए सर्जन, ए सर्जन नोट गेटिंग एक्सपेक्टेड आउटकम आफ्टर सर्जरी ऑफ ए पेशेंट एंड ब्लेम ऑन स्कर्ब नर्स। एक सर्जन था जिसको जैसा चाहता था एक्सपेक्टेड आउटकम्स उसको नहीं मिल पाए सर्जरी के बाद, तो किसके ऊपर ब्लेम लगा दिया? स्कर्ब नर्स के ऊपर ब्लेम लगा दिया। तो उसने उसकी गलती की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया या जैसे आउटकम आने चाहिए थे वैसे नहीं आ पाए, यानी उसकी खुद की गलतियां थी। देखो सर्जन की मिस्टेक थी, किसके ऊपर पास कर रहा है? स्कर्ब नर्स के ऊपर पास कर रहा है, पासिंग ब्लेम्स, दैट इज प्रोजेक्शन। तो इसको हम क्या बोल के चलते हैं? प्रोजेक्शन बोल। उसके बाद नेक्स्ट अगला मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो नाम से बेटा पता लग रहा होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है? देखो इसमें भी पासिंग करता है, पासिंग दे आइडियाज या मैं कह सकता हूं फीलिंग्स ऑन लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। यहां पे भी कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है भाई? पास कर रहा है अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर कर रहा है कि कहां पे? लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर है भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप लोग बता सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी के अंदर बॉस से अगर किसी को डांट मिली है तो वो एक एम्प्लॉय है जो अपने बॉस से डांट सुनता है और डांट सुन के जब वो घर आता है तो अपने बच्चों के ऊपर या अपनी बीवी के ऊपर उसका गुस्सा करता है। तो जो बीवी और बच्चे हैं वो क्या है? लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है, और बॉस था वो क्या था? हाई थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट था। तो वहां पे तो वो गुस्सा कर नहीं सकता था, उसने वहां का गुस्सा आके किसके ऊपर उतारा? या तो बच्चों के ऊपर या फिर वाइफ के ऊपर। तो ये क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बच्चा है जिसको टीचर ने उसको पनिशमेंट किया, और जब टीचर उसको पनिश करता है तो बच्चा जब घर आता है तो घर आने के बाद वो अपने छोटे भाई के ऊपर या फिर अपने मदर के ऊपर उस गुस्से को उतारता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं कह सकता हूं यहां पे आप लिख सकते हो बेटा, आफ्टर पनिश बाय बॉस ए वर्कर एंगर ऑन चिल्ड्रंस और वाइफ When come to home, जब वो घर आता है तो बच्चों के ऊपर और वाइफ के ऊपर गुस्सा निकालता है, that is displacement। उसके बाद next है, अगला जो हम mechanism पढ़ रहे हैं वो है हमारा displacement के बाद में rationalization। और rationalization का मतलब भी आपको पता होगा, देखो रीजन देना। रीजन क्या? मेक एक्सक्यूज। इसके अंदर पेशेंट क्या बना लेता है? मेक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बना लेता है। और वो एक्सक्यूज है वो क्या होता है? रॉन्ग होता है, लेकिन वो मेक एक्सक्यूज बट रॉन्ग एक्सक्यूज फॉर्म कर लेता है, रैशनलाइजेशन देता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। यहां पे देखना कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक्सक्यूज है, ये रॉन्ग होता है, रियल नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा
रहमान, सोर ग्रेप्स। देखो जब भाई ग्रेप्स मिलते नहीं है तो उनको क्या बताने लगा है कि ग्रेप्स खट्टे हैं, या फिर लेमन है वो जब उसको मिल गया तो उसको क्या कह रहा है, स्वीट लेमन, लेमन है वो बहुत मीठा है। यानी अपना एक्सक्यूज बना लेता है, जैसी चीज है उसके हिसाब से अपना एक्सक्यूज दे रहा है। ये क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है भाई? लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहा है वो क्या है, रॉन्ग है, या मैं कह सकता हूं नॉट रियल, नॉट रियल वो एक्सक्यूज उसका सही नहीं है। एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पे रैशनलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फेलियर, फेलियर इन एग्जाम, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट सैड हॉस्टल फैसिलिटी आर नॉट गुड। एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया और क्या कह रहा है, देखो कि हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हॉस्टल का एनवायरमेंट अच्छा नहीं था, वरना मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था। तो ये आपका क्या है, रैशनलाइजेशन। या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां से देखो, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, देखो प्रोजेक्शन के अंदर और रैशनलाइजेशन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, नेक्स्ट सुनना मेरा एग्जाम्पल। ए पेशेंट अब्यूज एल्कोहल, ए पेशेंट अब्यूज एल्कोहल, टेल द नर्स दैट ही यूजेस सब्सटेंस because of his stressful marriage and difficult job। बात समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो प्रोजेक्शन में मैंने बोला था आपसे कि पासिंग द ब्लेम्स ऑन मिस्टेक्स ऑन अदर्स, अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर क्या कर देता है, पास कर देता है, ब्लेम कर देता है कि मेरे इस बिहेवियर का कारण फला पर्सन है। तब तो हम क्या कहेंगे कि पेशेंट क्या है, प्रोजेक्शन यूज कर रहा है। जैसे देखना, एक आदमी ये कह रहा है कि मेरा एक अल्कोहलिज्म पेशेंट है, और अल्कोहलिज्म पेशेंट क्या कह रहा है कि अल्कोहलिज्म का कारण मेरा, मेरी वाइफ है या मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनकी वजह से मैं शराब पी रहा हूं या अल्कोहलिज्म का सेवन कर रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में वो सीधा सीधा किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ब्लेम कर रहा है, तो हमने क्या बोल दिया उसको कि वो प्रोजेक्शन कर रहा है, पासिंग ब्लेम कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, अब्यूज अल्कोहल कर रहा है, और टेल नर्स को क्या बता रहा है कि ही यूजेज सब्सटेंस बिकॉज स्ट्रेसफुल मैरिज एंड डिफिकल्ट जॉब। अगर ऐसा ना हो, डिफिकल्ट जॉब ना हो, स्ट्रेसफुल मैरिज ना हो, तो वह अल्कोहल नहीं ले। उसने सिचुएशन के ऊपर स्ट्रेसफुल कंडीशंस को क्या बना दिया, उसका रीजन बना दिया। देखो प्रोजेक्शन में तो किसी पर्सन के ऊपर ब्लेम कर रहा है, लेकिन यहां पे ब्लेम वो किसके ऊपर कर रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ब्लेम कर रहा है। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम करेगा तब तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन है, लेकिन अगर वो कहेगा कि मैं ऐसा स्ट्रेस के कारण कर रहा हूं, और ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा अल्कोहलिज्म पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, रैशनलाइजेशन होता है। आप लोग ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वो हमेशा क्या कहता है कि अल्कोहलिज्म का कारण क्या है, स्ट्रेसफुल मैरिज है और डिफिकल्ट जॉब है। तो ऐसे कंडीशंस में दोनों एग्जाम्पल आप याद रखें,
जब बच्चा एग्जाम में फेलियर हो रहा है तो कह रहा है हॉस्टल फैसिलिटीज आर नॉट गुड, जब अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो बोल रहा है कि मैरिज सिचुएशन ऐसी है या फिर डिफिकल्ट जॉब है, तो आप लोग बताएं दैट इज रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन अल्कोहल पेशेंट के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट में आप किसे बात करता हूं, अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब होता है प्रीवियस अनअसेप्टेबल, प्रीवियस अनअसेप्टेबल बिहेवियर चेंज इन अनअसेप्टेबल बिहेवियर। देखो बेटा, अनडूइंग का मतलब होता है ऐसा काम जो कोई पर्सन करता है और उसको करने के बाद वो जो बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दोबारा उस बिहेवियर को वापस उसको यूज नहीं करेगा। यानी एक बार अगर कोई गलती कर दी, उस गलती को वापस वो क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है, उसको वापस यूज उस गलती को वापस नहीं करता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब उस मिस्टेक्स को उसने क्या कर लिया, ठीक कर लिया। जैसे कंप्यूटर वगैरह में आता है ना, मोबाइल में अपना ऑप्शन अनडूइंग करना कि कोई गलती हो गई तो वापस उसको क्या कर लिया, ठीक कर लिया। तो अनडूइंग का मतलब है देखो प्रीवियस, यानी पहले आपने की थी, प्रीवियस अनअसेप्टेबल बिहेवियर। कोई आदमी है जो जिसने ऐसा बिहेवियर किया होगा, ऐसा गलती किया होगा प्रीवियस में जो अनअसेप्टेबल थी सामने वाले पर्सन के लिए, अब उसने क्या कर लिया, उसको चेंज इन एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, अब उसको क्या कर लिया, उसने चेंज कर लिया और अब सामने वाला उस चीज को, उस बिहेवियर को उसके एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मेरा एग्जांपल सुनना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप लोग बताना, मान लीजिए एक एक पर्सन है जो क्या करता है, अपने जो वाइफ है उसको क्या करता है, डांट देता है, अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेवियर करता है, या मैं ये बोल सकता हूँ एक पर्सन है जो अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा है, मिसबिहेव करता है। उसके बाद वो अपने जॉब पे चला जाता है, जब जॉब से वापस घर आता है तो घर आता है तो वो अपने वाइफ के लिए क्या लेके आता है, स्वीट्स लेके आता है या उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है और उसको दे देता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब वो गया था तब तो ऐसा बिहेवियर करके गया था जो अनअसेप्टेबल था वाइफ के लिए, प्रीवियस बिहेवियर उसका क्या था, वाइफ के लिए अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन जब वो बैक टू कम होम आया, वापस घर पे आया, बैक टू होम आया, तो उस कंडीशन के अंदर उसने क्या किया, फूल उसको दे दिए या फिर उसके लिए अच्छे गिफ्ट्स वगैरह दे दिए, तो ये बिहेवियर उस वाइफ के लिए क्या था, उसका एक्सेप्टेबल था। तो दैट इज अनडूइंग। ऐसा ही हम बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि एक फादर है जो अपने बच्चे को मिसबिहेव किया उसके साथ, उसको फिजिकली टॉर्चर किया, लेकिन वापस आके उसके लिए चॉकलेट लेके आता है, दैट इज अनडूइंग। तो कोई भी एग्जांपल हो आप लोग ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं वह ने पर्सन मिसबिहेव टू हिज वाइफ, misbehave to his wife and giving flowers when back to home at night। क्लियर है भाई, जो मिसबिहेव है, जो मिसबिहेव था ये क्या था, अनएक्सेप्टेबल था। क्लियर है बेटा, जब वो फ्लोवर्स दिए उसको, जब उसको फ्लोवर्स दिए उसने, तो फ्लोवर्स क्या हो गए, एक्सेप्टेबल है। क्लियर है, दैट इज अनडूइंग।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अनडूइंग की, और अनडूइंग के बाद अगला जो मैकेनिज्म है दैट इज फैंटेसी। अगला मैं बात करूं तो फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है जिसको हम बोल के चलते हैं डे ड्रीमिंग। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे एक पर्सन है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता तो है नहीं, कुछ अचीव नहीं कर रहा, लेकिन रात को बड़े बड़े सपने देखता है कि मैं ऐसे कामयाब हो जाऊंगा, तो माता पिता के लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो ये सारे क्या है, डे ड्रीमिंग। और इन डे ड्रीमिंग को हम क्या बोलते हैं, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, फैंटेसी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अगला जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, इंटेलेक्चुअल यानी अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का यूज करके प्रॉब्लम्स से बचाता है, दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर पेशेंट या पर्सन क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है बेटा। क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है, किसको सोल्व करने के लिए, टू सोल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वो लॉजिकल थिंकिंग को यूज कर रहा है। एग्जाम्पल देखना मेरा, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए एक पर्सन है, उसके डिजास्टर के अंदर उसकी फैमिली लॉस हो जाती है। अब जब उसकी फैमिली लॉस हो जाती है तो क्या थिंक करता है, लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है, यानी जो सार्वभौमिक सत्य है उन चीजों को यूज करता है। और वो सोचता है कि भाई जो आया है उसको जाना है, जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु है वो निश्चित है। तो ये उसने क्या किया है, लॉजिकल थिंकिंग बना ली, और अपने आप को क्या कर रहा है, वो उस प्रॉब्लम के साथ अपने आप को कोऑपरेट कर रहा है, दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ये कह सकते हैं। या फिर मैं आपको बोल सकता हूं इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर ही एक जब एक लड़की है वो अपने भाई को कॉल करती है, और कॉल करके वो बोलती है कि भाई उसके पापा हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो जब ऐसा वो मैसेज देती है तो सामने से जो कॉल आता है, जो उसका भाई होता है, वो उसको इंटेलेक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है, और उसको रिप्लाई क्या देता है, ओके वी विल मीट इन फ्यूनेरियल, कि ठीक है हम आते हैं। और कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे वो कब्रिस्तान वगैरह अंतिम दाह संस्कार वगैरह किए जाते हैं वहां मिलते हैं। तो दैट इज क्या, यानी वो फोन के ऊपर क्राइंग नहीं कर रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, और उसने क्या किया है, एक लॉजिकल थिंकिंग यूज किया है। तो ये सब आपकी क्या कहलाती है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात कर सकता हूं, वो है आपका डिनायल। नाम से भी पता लग रहा होगा भाई, डिनायल, D-E-N-I-L, डिनायल का मतलब होता है मना कर देना, साफ साफ मना कर देता। बहुत बार ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाता है। जो डिनायल है, ये डिनायल को आपने देखा होगा कि जब किसी पर्सन को कोई सीरियस डिजीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो पर्सन है वो मना कर देता है कि नहीं लैब रिपोर्ट से वो गलत है, या फिर बोलेगा नहीं इस डॉक्टर को पता नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर से बात करूंगा। तो ये डिनायल करना, ये रिफ्यूज करना ही क्या कहलाता है, डिनायल कहलाता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं रिफ्यूज रियलिटी, मैं आपको बोल सकता हूं रिफ्यूज रियलिटी, जो रियलिटी है उसको क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिनायल। एग्जाम्पल आपने बात कर ली आफ्टर सीरियस डिजीज ए पर्सन इज A person is sad that lab reports are not correct. उसके बाद denial के बाद अगर हम बात करें तो next है हमारा reaction formation. Reaction formation. और reaction formation में देखना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी person है वो reaction formation करता है, लेकिन वो reaction होंगी वो उसकी thinking और ideas के opposite reaction formation करता है। यानी उसके माइंड में जैसे आइडिया है, थिंकिंग चल रही है, वैसा बिहेव शो नहीं करता है, वैसे रिएक्शन फेस पे नहीं लाता है, अपोजिट रिएक्शन लेके आता है।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस, यानी एक भ्रष्टाचार में लिप्त कोई पॉलिटिशियन है वही स्टेज पे आके क्या बोलता है कि भ्रष्टाचार के बारे में भाषण देता है कि ये गलत है ऐसे है, बहुत सी उसके बारे में आलोचना ही करता है। यानी भ्रष्टाचार खुद करता है लेकिन रिएक्शन कैसे कर रहा है, अपोजिट रिएक्शन शो कर रहा है। या मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं, आपने गाँव में देखा होगा कि सास और बहू के अंदर जो खींचतान बनी रहती है, तो जैसे ही एक सास और बहू है, बहू उसकी सास की क्या करती है, बुराई करती रहती है, लेकिन जैसे ही सास आएगी तो तुरंत से वो क्या बोलने लग जाती है, रिएक्शन चेंज कर लेती है, उसके माइंड में तो अलग थिंकिंग है लेकिन वापस उसको हंस के बोलती है और उसके साथ अच्छा सा बिहेव करती है। तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आप अपोजिट रिएक्शन इज फॉर्म, अपोजिट रिएक्शन इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स थिंकिंग, जैसे वो सोचता है उसके विपरीत क्या करता है, रिएक्शन फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन, करेक्ट है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा है रिग्रेशन। नेक्स्ट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, रिग्रेशन। बहुत बार ये पूछा गया है आपसे डिफेंस मैकेनिज्म में रिग्रेशन के बारे में भी, और रिग्रेशन क्या होता है, तो देखिए भाई रिग्रेशन, और रिग्रेशन का मतलब होता है शो चाइल्डिश बिहेवियर या चाइल्डहुड बिहेवियर, बच्चों के जैसा। एक एडल्ट है, जो एडल्ट है वो कैसा बिहेवियर करता है, बच्चों के जैसा बिहेवियर करता है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, रिग्रेशन। मेरा एग्जांपल सुनना, देखो सपोज करो हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स है और उस नर्स ने क्या किया, मेडिकेशन एरर कर दिया, लेकिन वो मेडिकेशन एरर को करने के बाद जब उसके सुपरवाइजर के सामने जाती है तो रोने लग जाती है, दैट इज रिग्रेशन। क्लियर है भाई? या फिर हम कह सकते हैं जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं, ये क्या कहलाता है, चाइल्डिश बिहेवियर। जब एक एडल्ट के द्वारा चाइल्डिश बिहेवियर क्रिएट किया जाता है तो कौन सा मैकेनिज्म है, रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर सकता हूं, कौन सा एग्जाम्पल बताया मैंने अभी आपसे, मेडिकेशन एरर के बाद, है ना। तो आप कह सकते हैं ए नर्स स्टार्ट क्राइंग आफ्टर मेडिकेशन एरर, आफ्टर मेडिकेशन एरर। क्लियर है बच्चों, रिग्रेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफेरेंस, अगला जो हमारा है मैकेनिज्म, दैट इज मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, ट्रांसफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार देखो ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग देखना भाई, किसी अपने को, जैसे जो ट्रांसफेरेंस है इसके अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी अपने को दूसरे के अंदर देखना क्या कहलाता है, ट्रांसफेरेंस। एग्जाम्पल सुनना, एक हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पेशेंट एडमिट है और उसकी ओल्ड एज का पेशेंट है, एज है 55 के आसपास, ठीक है भाई। तो जब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास नर्स आती है तो नर्स को वो जो पेशेंट है वो उसके साथ कैसे केयर करता है, अपनी बेटी के जैसे केयर करता है। यानी किसी दूसरे में अपने को देखना, किसी दूसरे में, नर्स में वो किसको देख रहा है, अपने डॉटर को देख रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफेरेंस। ये विपरीत भी हो सकता है, वो नर्स है वो उस पेशेंट को क्या समझे, उसकी केयर कैसे करेगी, एज ए फादर केयर करेगी, तो ये भी क्या है, उसका ट्रांसफेरेंस है। तो आप लोग यहां पे बताएं
मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, किसी अपने को दूसरे में देखना, ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा आपको। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं, पेशेंट आइडेंटिफाई दी नर्स, पेशेंट आइडेंटिफाई दी नर्स एज हिज डॉटर। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसिपेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होता है देखो भाई, एंटीसिपेशन, और एंटीसिपेशन का मतलब होता है अनुमान लगा लेना। ठीक है भाई, क्या लगाना? अनुमान लगाना। मैं यहां पे लिख सकता हूं अनुमान लगा लेना। जैसे देखो बेटा, जो अपकमिंग अपकमिंग क्या है, अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं, अपकमिंग प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट के अंदर ही क्या करना, इमेजिन करना। अपकमिंग प्रॉब्लम्स आर इमेजिन इमेजिन इन प्रेजेंट टाइम, अपकमिंग इवेंट्स को, अपकमिंग स्ट्रेसफुल जो इवेंट्स हैं या अपकमिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रेजेंट में इमेजिन करके उस प्रॉब्लम पे काम करना क्या कहलाता है, एंटिसिपेशन। यानी फ्यूचर के अंदर उसको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए अभी से क्या कर देता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या कहलाता है, एंटीसिपेशन। यानी अपकमिंग प्रॉब्लम्स आर इमेजिन इन प्रेजेंट टाइम एंड स्टार्ट वर्क टू सोल्व। और आज ही क्या कर देता है, उनको सोल्व करने के लिए काम स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल सुनना बेटा, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्स, बच्चों के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर एग्जाम एग्जाम होने की प्रिपरेशन वो पहले से होने लग जाती है। तो उनके अंदर पहले से अपकमिंग यानी रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट क्या है वो हो सकता है फेलियर आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उस आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, उससे बचने के लिए कि वो प्रॉब्लम ना डेवलप हो, उसके लिए उसको इमेजिन करके प्रेजेंट टाइम के अंदर वो क्या करने लग जाता है, काम करने लग जाता है। एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग रहा है, तो ये क्या है आपका, एंटीसिपेशन है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात कर सकता हूं, जैसे किसी को स्टेज परफॉर्मेंस करना है, स्टेज परफॉर्मेंस तो उसके लिए वो तैयारी शुरू कर देता है, या किसी को प्रपोज करना है, प्रपोज डे सुना होगा आपने, तो उसकी भी प्रिपरेशंस आजकल तो पहले से होने लग जाते हैं कि क्या जाके बोलना है। तो ये सब क्या कहलाता है आपका, एंटीसिपेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा जो मैकेनिज्म है वो है बेटा एल्ट्रूइज्म, ALTURISM, एल्ट्रूइज्म। और एल्ट्रूइज्म का मतलब होता है परोपकार, हिंदी में बोले तो परोपकार। यानी आप कह सकते हो बेटा, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसको सोशल वर्क करके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रूइज्म बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं एक पर्सन सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय बाई हेल्पिंग अदर्स, या मैं कह सकता हूं सोशल वर्क। एक आदमी है जिसको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब वो किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई सोशल काम कर दे, तब जाके उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है।
तो ये आपका क्या कहलाता है, एल्ट्रुइज्म कहलाता है। तो बच्चों यहाँ से आप देखेंगे बहुत से आपको मैंने एग्जाम्पल कोशिश किया है एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एक बार मैं वापस आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से मैकेनिज्म आपने पढ़े हैं। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म वापस हम 5 मिनट के अंदर दोबारा से देख लेते हैं। देखो पहला हमने क्या पढ़ा था भाई, सबसे फर्स्ट कौन सा पढ़ा था, कंपनसेशन, कंपनसेशन पढ़ा था। और कंपनसेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ के द्वारा कवर अप कर लिया जाता है, कवर अप कर लिया जाता है स्ट्रेंथ के द्वारा, ये आपको ध्यान रहेगा। दूसरा मैंने आपसे बात किया था कौन सा था, कंपनसेशन के बाद आपने देखा था सप्रेशन। सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्शियस लेवल का था, और कॉन्शियस लेवल के ऊपर किसी स्टिमुलाई को, किसी पेनफुल इवेंट्स को कॉन्शियसली हम क्या कर लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, दैट इज सप्रेशन। और मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था कि एक इंटरव्यू में जाने से पहले एक पर्सन है वो आर्ग्यू नहीं करता है वाइफ से, दैट इज सप्रेशन। तीसरा मैं आपसे बात करूं तो रिप्रेशन, रिप्रेशन, और रिप्रेशन की अगर बात करें तो ये अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर, अनकॉन्शियस लेवल पे किया जाता है, पेनफुल स्टिमुलाई को अवॉइड कर दिया जाता है अनकॉन्शियसली, अपने आप भूल जाता है, यानी मैं कह सकता हूं पेनफुल इवेंट्स, पेनफुल इवेंट्स फॉरगॉट अनकॉन्शियसली, अपने आप उनको भूल जाता है जो उसके साथ बचपन में कोई अब्यूज हुआ हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो जब भी वहां पे जाता है तो अब उसको क्या कर दिया, उसने अवॉइड कर दिया, भूल गया। या फिर लव ब्रेकिंग होने के बाद जो आपका बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड का बर्थडे को मिस कर देता है, तो ये सब क्या है आपका, रिप्रेशन। उसके बाद आपने देखा था बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की बात की थी मैंने, और सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने आपसे बताया था सब्स्टिट्यूट यूज करना, ये नहीं तो ये, यानी हाई डिजायर थी, हायर डिजायर थी, या मैं हायर गोल भी बोल सकता हूं, वो किससे अनफुल था, फुलफिल नहीं हो पाया, तो उसने क्या कर लिया, लोअर गोल को अचीव कर लिया, और यही आपका क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। यानी हाई पोजीशन नहीं मिली तो लो पोजीशन को अचीव कर लिया, एमबीबीएस नहीं बना तो नर्सिंग में कैरियर बना लिया। 5 नंबर के ऊपर हमने पढ़ा था सबलिमेशन, सबलिमेशन की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो सोशियली अनएक्सेप्टेबल था, सोशियली अनएक्सेप्टेबल था, अनएक्सेप्टेबल, उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, एक्सेप्टेबल में। और एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बॉक्सर, कि पर्सन है वो क्या बन गया, बॉक्सर, और रिंग में अपना गुस्सा निकालता है, दैट इज सबलिमेशन। उसके बाद 6 नंबर पे आपने बात किया था, इसके बाद सबलिमेशन के बाद इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, और इंटेलेक्चुअलाइजेशन में आपने बताया था बेटा कि लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं हम इसके अंदर, और लॉजिकल थिंकिंग देके खुद को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल मैंने बताया था कि डिजास्टर के अंदर फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई तो अपने आप को क्या बोलता है कि भाई मरना है सभी को एक दिन, दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। उसके बाद आपने क्या देखे थे, इसके अलावा आपने रैशनलाइजेशन देखा होगा, क्लियर है भाई, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन के अंदर आपने देखा था मेकिंग एक्सक्यूज कर रहा था, मेकिंग एक्सक्यूज, लेकिन वो एक्सक्यूज कैसा था, रॉन्ग था, नॉट रियल था, ऐसे एक्सक्यूज बनाता है अपने खुद की मिस्टेक्स के बारे में, पेशेंट क्या देने लग जाता है, सॉरी पर्सन क्या देने लग जाता है, रैशनलाइजेशन देने लग जाता है। तो ये क्या था आपका, रैशनलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की होगी
इनके अलावा और क्या यूज किया भाई? रिग्रेशन की बात की होगी हमने, रिग्रेशन। और रिग्रेशन के अंदर मैंने बताया था आपको चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है, चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है, दैट इज रिग्रेशन। बच्चों की तरह रोने लग जाता है, नर्स ने मेडिकेशन एरर कर दिया और रोने लग गई। उसके बाद आपने देखा होगा डिनायल, मना कर देता है। जब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो उसको तुरंत मना कर देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या तो डॉक्टर गलत है या फिर लैब रिपोर्ट्स गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हम कह सकते हैं भाई डिनायल के बाद और क्या था? रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन। और रिएक्शन फॉर्मेशन में भी मैंने आपसे बताया था कि अपोजिट रिएक्शन फॉर्म की जाती है, जैसे पॉलिटिशियन, जैसे एक सासुर बहू का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मैं कह सकता हूं ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंस। और ट्रांसपेरेंस के अंदर भी हम बता सकते हैं कि किसी दूसरे के अंदर खुद के अपनों को देखना, जैसे एक पेशेंट है वो नर्स के अंदर अपनी बेटी को देखता है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंस। उसके बाद 12 नंबर पे आपने देखा था एंटिसिपेशन, और एंटिसिपेशन का मतलब आपको बताया गया था कि भाई फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को आज ही क्या कर लेता है, प्रेजेंट के अंदर इमेजिन कर लेता है और उनके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, ताकि उसको आने वाला रिजल्ट है वो बुरा फील ना हो, जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद मैंने आपसे बात की होगी अनडूइंग के बारे में। अनडूइंग क्या होता है? ऐसा काम जो पहले किया था किसी के साथ मिसबिहेव, लेकिन अब उसको उसके साथ अच्छा बिहेव करना, उस मिसबिहेव को वापस नहीं करना, ये क्या है? अनडूइंग। एक पर्सन है वो अपने वाइफ के साथ लड़के गया है, लेकिन शाम को जब वापस आया तो उसको फ्लावर गिफ्ट देता है, तो ये क्या है? जो पहले उसका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं करके गया था, लेकिन वापस आके उसने अच्छा बिहेव किया, दैट इज अनडूइंग। इसके बाद आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट की आपने बात की होगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी मैंने आपसे बात किया था कि जो अपने इसके अंदर भी पासिंग कर देता है अपने डिजायर्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉस के ऊपर बॉस ने गुस्सा किया, बच्चों के ऊपर गुस्सा उतार दिया, वाइफ के ऊपर गुस्सा उतार दिया। उसके बाद मैंने प्रोजेक्शन के बारे में बात की होगी आपसे कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? पासिंग द ब्लेम्स, अपने खुद के ओन मिस्टेक्स को दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना, दैट इज प्रोजेक्शन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा होगा बेटा एक अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि भाई परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना, और दूसरे की हेल्प करके उसको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको अच्छा फील होता है। तो ये सारे मैकेनिज्म, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।